आज का हमारा वीडियो 6, 7, 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हमें प्लस माइनस और इसके बाद पक्षांतर करने में। फिर हम घातों को नहीं जोड़ सकते हैं, घातों को नहीं घटा सकते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो होगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस और प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर कोई भी संख्या प्लस में लिखी है और दूसरी संख्या उसमें प्लस का गुणा किया गया हो, यानी दोनों संख्याएं अगर प्लस में हैं और उसका गुणा किया जाता है तो गुणनफल हमारा प्लस में लिखा जाता है। इसके बाद मान लो कोई संख्या हमारी माइनस में है और दूसरी संख्या हमारी क्या है, प्लस में। अगर माइनस और प्लस वाली संख्या का गुणा किया जाए तो इसका चिन्ह जो लिखा जाता है वो माइनस का लिखा जाता है। तीसरा हमारा जो नियम होता है, अगर कोई संख्या प्लस में लिखी है और दूसरी संख्या माइनस में लिखी है तो इसका भी गुणनफल माइनस में लिखा जाता है। पहली संख्या माइनस में लिखी है, दूसरी भी माइनस में लिखी है, तो इसका गुणनफल जो है वो प्लस में लिखा जाता है। ये चार जो नियम हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो इनका उदाहरण हम समझेंगे। जैसे मान लो प्लस दो लिखा हुआ है और गुणे हम इसमें प्लस दो कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस, और दो में दो का गुणा हुआ चार। लेकिन अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या प्लस में लिखी गई है, तो उसके आगे हम प्लस का चिन्ह नहीं दिखाते हैं। मतलब अगर ये दो गुणे दो ऐसा भी लिखा हुआ है तो हम इसका गुणनफल क्या लिखते हैं, चार। लेकिन अब यहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है माइनस दो गुणे, हम मानते हैं कि प्लस तीन लिखा हुआ है, क्योंकि प्लस चिन्ह आगे दिखाया नहीं जाता है, तो ये हमारा दो तिया कितना हो जाएगा, छः तो हो जाएगा, लेकिन प्लस चिन्ह लगेगा कि माइनस, तो हम यहाँ माइनस और प्लस का चिन्ह देखेंगे। माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, माइनस छः। पहला सवाल, दूसरा सवाल या दूसरा उदाहरण हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में, मतलब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्लस का चार ले लेते हैं और गुणे माइनस का क्या ले लेते हैं, तीन। तो चार में तीन का गुणा होता है कितना होता है, बारह। लेकिन प्लस और माइनस का गुणनफल क्या होता है, माइनस, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस बारह। इसके बाद चौथा नियम जो है उसको सॉल्व करते हैं। माइनस चार गुणे लिखा हुआ है माइनस पाँच, दोनों संख्याएं माइनस में, तो चार पंचे कितना होता है, बीस होता है। माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, तो ये हमारा चारों का चार उदाहरण कंप्लीट हुआ। अगर यही संख्याएं मान लो माइनस में जोड़ और घटाव होता है तो विपरीत चिन्ह जो होता है वो हमारा घटता है। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है, यानी कोई भी संख्या प्लस का दो, प्लस के दो में और दूसरी संख्या भी प्लस के दो में लिखी हुई है, तो ये प्लस का चार लिखा जाता है। ये दूसरा सवाल, अगर इसको हमें जोड़ना है तो यहाँ पे माइनस दो और प्लस क्या है, तीन। अब दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत, विपरीत का मतलब अलग अलग, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में, तो तीन में से दो घटाएंगे कितना आएगा हमारा, एक आएगा। तीन में से दो घटाएंगे कितना आएगा, एक। बड़े गुणांक का चिन्ह लिखा जाता है तो बड़ा गुणांक हमारा तीन होगा, यानी बड़ी संख्या हमारी तीन होगी, तो तीन का चिन्ह है प्लस, प्लस चिन्ह यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। अगला सवाल सॉल्व करते हैं, जैसे जिसका चिन्ह हमारा बड़ा हो, मान लो अब ये सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं चौथे नंबर का। जैसे माइनस क्या लिखा हुआ है, चार, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, माइनस पाँच। अब इसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि जोड़ना है कि घटाना, लेकिन अभी इसके पहले ही मैंने बोला था कि जो भी चिन्ह हमारा लिखा हुआ है अगर समान चिन्ह है तो क्या किया जाता है, प्लस। माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह है तो दोनों जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह हमारा बड़े गुणांक का हमने बोला हुआ है ना, बड़े गुणांक का चिन्ह लगता है, पाँच और चार कितना होता है, नौ। बड़े गुणांक का चिन्ह देखो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं अगर समान चिन्ह होता है तो उन्हीं चिन्हों को लगाया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस नौ।
तो ये हमारे जो माइनस और प्लस के सवाल थे वो हमारे कंप्लीट हुए। अगर इसमें अब हमारे समीकरण रूप के रूप में दिया गया हो, जैसे x प्लस 4 इक्वल लिखा हो 2, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे पक्षांतर का नियम लगेगा। तो सबसे पहले पक्षांतर का नियम आना चाहिए। जब तक हम, अगर हमें ये प्लस माइनस हमने सीख लिया हुआ है, प्लस माइनस में हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अब हमें पक्षांतर आना चाहिए। तो पक्षांतर में क्या होता है कि अगर हमारी बाईं तरफ कोई भी संख्या प्लस में लिखी है तो अगर वो दाईं तरफ जाती है तो माइनस बन जाती है। अगर हमारी बाईं तरफ संख्या माइनस में लिखी है दाईं तरफ जाती है तो प्लस बन जाती है। अगर हमारी प्लस और माइनस का जोड़ा बनता है, गुणे और भाग का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे अगर हमारी पहली संख्या का मतलब क्या है, बाईं तरफ की संख्या अगर गुणे में है, अगर वो दाईं तरफ जाती है तो किस में बन जाती है, भाग में, और अगर भाग में है तो किस में बन जाती है, गुणे में। ये चारों नियम हमको याद रखना है। तो अभी यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, अगर हमारी बाईं तरफ संख्या प्लस में है तो किस में जाएगी, माइनस में। जैसे ये हमारा x प्लस 4 इक्वल लिखा हुआ है 2, किस में लिखा हुआ है, प्लस में, किस में जाएगा, माइनस में। x बराबर हो जाएगा 2, माइनस क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे हम चिन्ह विपरीत है, एक माइनस में है तो दूसरा किस में है, प्लस में। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, लेकिन बड़े गुणांक का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए x की वैल्यू हमारी कितनी आई, माइनस 2। हम भाग को यहाँ पे, जो हम भाग लिख रहे हैं ना, यहाँ भाग को बटे के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब बटे के रूप, अभी आगे हमारा उदाहरण आएगा दूसरा भी, तो उससे हम देखते हैं। अब हम दूसरा नियम लगाते हैं, जैसे हमारी कोई संख्या a माइनस 3 इक्वल लिखा हुआ है 5, तो अब हमें क्या करना है कि a इक्वल, इसके बाद हमारी पहली संख्या किस में है, संख्या किस में है, माइनस में, माइनस में है तो किस में जाएगी, प्लस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5, और ये माइनस में है तो किस में गई, प्लस में। 5 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, लेकिन प्लस का चिन्ह लगा कि माइनस का, दोनों हमारे प्लस का चिन्ह, तो अभी हमने इसके पहले बताया था भाई, चाहे बड़े गुणांक का चिन्ह देखो, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो उनमें हम प्लस चिन्ह ही लगा सकते हैं, या माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता ये सवाल, a माइनस 3 इक्वल माइनस 5, अब इसका आंसर बदल जाएगा। जैसे इसको देखना है तो a इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 5, माइनस 5 तो ये पहले से ही लिखा हुआ है, ये माइनस में है तो किस में जाएगा, प्लस में। तो ये हमारा क्या बनेगा, प्लस का 3। अब यहाँ पर a बराबर, दोनों चिन्ह विपरीत है, अलग अलग, एक माइनस में है तो दूसरा प्लस में, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, लेकिन माइनस का गुणांक, सॉरी, किसका गुणांक बड़ा है, माइनस का, तो इसलिए कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस, a का मान माइनस 2 आ गया। अभी देखो, हमें प्लस और माइनस का अगर हमारा कंफ्यूजन पूरा कंप्लीट हुआ है, तो अब गुणे और भाग का देखते हैं। जैसे ये हमारा 3a इक्वल लिखा हुआ है 5, तो ये हमारा किस में है, गुणे में, किस में लिखा हुआ है, किस में लिखी गई है संख्या, गुणे में, अगर गुणे में है तो किस में जाती है, भाग में। तो भाग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बटे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। अब ऐसे मान लो 2a बराबर क्या लिखा हो हमारा, मान लेते हैं 6 लिखा हुआ है, तो वापस ये संख्या किस में है, गुणे में, तो किस में जाएगी, भाग में। a बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, 2 के पाड़े में 3 आता, 2 के पाड़े में 6 आता है, 2 + 1 = 2, 2 × 3 = 6, a बराबर कितना आ गया, 3। यहाँ पर मैंने क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या बन जाती, अपूर्णांक संख्या बन जाती, ये हमारी परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, गुणे का हमने नियम समझ लिया, अब हम भाग का नियम समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या हमारी a बटे 2 बराबर क्या लिखा हो, 5 लिखा हो, अब हमें ये संख्या भाग में है, बटे मतलब क्या हुआ, भाग, भाग में है तो किस में जाएगी, गुणे में, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 2, तो a बराबर 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी हमारा जो नियम हुआ गुणे और भाग का कंप्लीट हुआ। तो ऐसे कोई भी सवाल खुद से बना करके, या इसके अभी लास्ट में मैं सवाल तुम लोगों को बना के दे देता हूँ, वैसे 5 सवाल, 5 सवाल प्लस माइनस के और 5 सवाल हमारे
ये जोड़ घटाओ गुणा भाग के, इनके हमें सॉल्व करना है।